कक्षा छः विषय गणित की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा तीन छः में हम कर रहे थे प्रश्नावली 3 पॉइंट जो हमने पूरी कर ली थी 3.1 3.2। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3। सवाल है आपका, विभाजिता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। देखिए, मैंने आपको 2 से लेके 10 तक के विभाज्यता के नियमों के बारे में समझाया था और उन पर आधारित हमने कुछ सवालों को भी हल किया था। अब हम प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे विभाज्यता के नियमों के आधार पर। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो संख्या है ये 4 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है। तो मैंने इसमें से 2 सवाल लिखे हैं बोर्ड पर। पहला है 7,26,352 और एक लिखा है 5,500। अब आपको 4 और 8 के विभाज्यता के नियम से आपको पता करना है कि इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। तो हम विभाज्यता के नियमों के द्वारा इनको हल करने का अभ्यास करेंगे। तो पहला सवाल 7,26,352 7,26,352। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 4 से विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। इसका नियम था कि 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 2 अंक कितने, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य होते हैं तो आपको दी गई वह पूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगर अंतिम अंक 4 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारे पास जो संख्या है 7,26,352, तो इसके देखिए अंतिम अंक कितने हैं, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या है 5,252 यानी अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या ये है 5,252। अब ये 52 अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो 5,252 में हम 4 का क्या लगाएंगे, भाग। देखिए 4 एकम 4, 1 गुजरिया 2 उतर गए, कितने हो गए 12, 3 चौक 12 यानी ये संख्या क्या है 4 से भाज्य है, ये संख्या 4 से भाज्य है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 7,26,352 भी 4 से क्या होगी, भाज्य होगी। तो हम यहां लिखेंगे संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य है। इसलिए इसलिए संख्या 7,26,352 7,26,352 भी 4 से भाज्य होगी। ये है 4 का नियम, यानी 4 से तो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। अब आपको 8 के विभाज्यता के नियम के अनुसार पता करना है। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या था, 4 या 4 से अधिक अंकों की संख्या 4 या 4 से अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं
तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो देखिए संख्या 4 अंकों से ज्यादा है, इसको भी हम 8 के नियम के द्वारा देखते हैं। अब इसके अंतिम 3 अंक, इकाई ढाई सैकड़ा, संख्या बनी 352। क्या बनी? 352। तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कितनी है? 352। अब इस 352 में आपको किसका भाग लगाना है? 8 का लगाते हैं। 352 में तो 352 में हम 8 का क्या लगाते हैं? भाग। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 23, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। कितनी बार गया? 4 बार। 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गए 3, 3 से 3 गया 0, 2 उतर गया, कितने हो गए? 32। फिर देखो 32 कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो कितना आया? 44। यानी यह संख्या 8 से क्या है? भाज्य है। पाठ का नियम क्या था? 4 या 4 से अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाज्य होते हैं तो वह संख्या भी 8 से भाज्य होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है, इसलिए संख्या 7,26,352 भी 8 से भाज्य होगी, 8 से भाज्य होगी। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्या को 4 से और 8 से विभाज्यता के नियम के अनुसार पता करना है कि दी गई संख्या 4 से 8 से भाज्य है या नहीं। अब दूसरा सवाल है 5,500, ये आप स्वयं विभाज्यता के नियम के अनुसार हल करने का अभ्यास कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट्स के द्वारा बताएं, हम आपको वापस इन सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।